तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्लैक शार्क वालों ने कंफर्म किया था कि अप्रैल एंड में ब्लैक शार्क 2 में एंड्रॉयड 10 का अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा ही हुआ है दोस्तों। 27 अप्रैल को ब्लैक शार्क वालों ने रिलीज़ कर दिया है एंड्रॉयड 10 अपडेट ब्लैक शार्क 2 के लिए। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं और क्या क्या न्यू फीचर्स ब्लैक शार्क 2 में हमें देखने को मिलते हैं। तो एंड्रॉयड 10 अपडेट पूरा MIUI 11 पे बेस्ड है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था आप लोगों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप एनिमेशंस, ऐप आइकन्स, स्क्रॉलिंग, स्टेटस बार, सेटिंग्स, जेस्चर्स, सब MIUI से कॉपीड है। बेसिकली सारे एस्थेटिक्स जो UI के होते हैं वो MIUI के ही है। तो जॉय UI सिर्फ MIUI का कॉपी है, बेसिकली एडिशनल गेमिंग फीचर्स के साथ। बात करें फीचर्स की तो स्टेटस बार में हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल डार्क मोड। अभी मैं इसको एनेबल करूँगा, इससे होगा क्या कि जो सारे यूज़र इंटरफेस है और जो सारे ऐप्स है जो डार्क मोड को सपोर्ट करते हैं वो डार्क मोड एनेबल्ड हो जाएंगे और बेसिकली सब ब्लैक कलर में शिफ्ट हो जाएंगे। और एमोलेड स्क्रीन होने के कारण ये बैटरी सेव करने में भी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में सिर्फ वही पिक्सल्स लाइट अप होते हैं जहाँ पर कोई कलर हो या वाइट कलर हो। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि ग्लोबल डार्क मोड का सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो जितने भी ऐप्स हैं जैसे YouTube, Chrome, ये सब डार्क मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। बात करें अगले फीचर की तो Xiaomi ने जो रिसेंटली मी शेयर का फीचर रिलीज़ किया था, जो कि क्रॉस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और जो AirDrop एप्पल के AirDrop जैसे काम करता है, वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो अगर आप स्टेटस बार में जाके देखें तो वहाँ हमें मी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई Xiaomi या Xiaomi to Realme या Xiaomi to Oppo फ़ोन्स में शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप मी शेयर को यूज़ करके कर सकते हैं शेयर। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें हमें ये देखने को मिलता है। बात करें Xiaomi से रिलेटेड फ़ीचर्स की तो इसमें Xiaomi से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MI स्टोर, नोट्स एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक फ़ीचर्स जो भी सेटिंग्स में मुझे देखने को मिलेंगे नए फीचर्स या फिर जो भी नए चेंजेस, मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो वो देखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 में अपडेट कर लिया है, अब ये जॉय UI 11 में अपडेट हो चुका है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके सारे फीचर्स जो हमें सेटिंग्स में देखने को मिलते हैं उसको देखते हैं। बात करें सबसे पहले सेटिंग की तो हमें शार्क स्पेस की सेटिंग देखने को मिलती है, जहां आप जाके फ्रेम रेट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो को मॉनिटर कर सकते हैं, इन गेम वॉइस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शार्क स्पेस की सेटिंग्स में देखने को मिल जाती है। बात करें सिक्योरिटी स्टेटस की तो यहाँ हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा वो है एम्बियंट डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, जो MIUI 11 में एम्बियंट डिस्प्ले की सेटिंग्स हमें देखने को मिलती थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि ब्लैक शार्क ने फाइनली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट ब्लैक शार्क 2 में दे दिया है। तो और दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कस्टमाइज़ करने के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। जो Xiaomi का थीम स्टोर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और आप दोस्तों इसको ऑलवेज सेट ऑन या शेड्यूल भी कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। और तो और दोस्तों, हमें इसमें ब्रीदिंग लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप इनमें से कोई भी लाइट को सेट कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफाई हो जाए कि कोई मैसेज आया है या कोई नोटिफिकेशन आपके पास आई है। दोस्तों, ब्लैक शार्क 2 ने या फिर ब्लैक शार्क वालों ने कुछ शॉर्टकट्स भी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि अगर आप वॉल्यूम बटन को डबल क्लिक करो या फिर पावर बटन को डबल क्लिक करो तो आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हो। बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ, यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो है डार्क मोड, और इसको आप शेड्यूल कर सकते हो कि कब डार्क मोड एनेबल हो या डिसेबल हो। और बात करें तो इसमें कलर स्कीम भी हमें देखने को मिलती है और डिस्प्ले एनहांसमेंट भी देखने को मिलती है। तो अगर आप डिस्प्ले एनहांसमेंट को ऑन करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है वो अपना कलर कैसे चेंज कर रही है। तो इसका मतलब जैसे वो थोड़ा ब्लू से येलो कलर या वार्म कलर में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये आइज़ में स्ट्रेन नहीं डालता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये सब फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक डिस्प्ले मेरी फ्लिकर कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एंटी फ्लिकर ऑन किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फ्लिकरिंग हो रही थी वो बंद हो चुकी है। बात करें इसमें हमें वीडियो HDR मोड भी देखने को मिलता है, जो कि वीडियो क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। और तो और दोस्तों, इसमें हमें सुपर सिनेमा मोड भी देखने को मिलता है, जो फ्रेम रेट को अपस्केलिंग करके हमें स्मूथ वीडियो प्रोवाइड करता है। कलर स्कीम में हमें सिनेमा मोड, नेचुरल मोड, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं।
तो डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि ऑप्शंस हमें देखने को मिले हैं। और दोस्तों VR के लिए भी कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। स्टेटस बार को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हमें स्टेटस बार से रिलेटेड यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कनेक्शन स्पीड, बैटरी इंडिकेटर, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो काफ़ी कस्टमाइजेबल हो गया है ब्लैक शार्क। बात करें फुल स्क्रीन मोड की, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक ऐप्स के लिए एनेबल कर सकते हैं फुल स्क्रीन मोड को। बात करें अगली सेटिंग्स की, तो यहाँ हमें साउंड्स एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला सिवाय एस्थेटिक्स के। इसका मतलब जो सारे एनिमेशंस और जो साउंड बार है वो MIUI के जैसे हो चुके हैं। और भी जो सारे रिंगटोन साउंड्स, मैसेज साउंड्स या जो भी नोटिफिकेशन साउंड्स या कॉलिंग के रिलेटेड रिंगटोन, सारे MIUI के ही है, बेसिकली MIUI 11 के हैं। नोटिफिकेशन से आप जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक ऐप से रिलेटेड कैसे नोटिफिकेशन शो होगी। बात करें होम स्क्रीन की, तो यहाँ से आप अपने लॉन्चर चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन में आप ऐप ड्रॉअर को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्लैक शार्क में आप देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप आइकन साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आइकन को स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल कोई भी साइज़ में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इसमें हमें थीम्स ऐप स्टोर देखने को मिल जाता है जो कि MIUI का है, तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बात करें वॉलपेपर्स की, तो आप यहाँ पे स्टैटिक वॉलपेपर्स चूज़ कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं, वीडियो वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं। बात करें थीम्स की, तो ये फ़ोन बेसिकली जब अपडेट होता है तो ये शार्क UI थीम के साथ आता है, और ये थीम काफ़ी गेमर सेंट्रिक है क्योंकि इसके आइकन्स काफ़ी गेमिंग टाइप के हैं, तो ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने वापस से क्लासिकल थीम में शिफ्ट किया और ये थीम को अप्लाई किया। मुझे ये वाली थीम काफ़ी क्लीन लगी, तो बेसिकली मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्लासिकल थीम। आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं, लॉक स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है ब्लैक शार्क में। और तो और दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो मैंने पहले आपको बताया था, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस थीम्स ऐप में अवेलेबल है। दोस्तों बात करें अगले सेटिंग्स की, तो हमें इसमें पासवर्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई न्यू चेंजेस देखने को नहीं मिले, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो चेंजेस हमें देखने को मिला है वो है परफॉर्मेंस मास्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना CPU मॉनिटर कर सकते हैं आप। और तो और दोस्तों आप अपने प्रोसेस मैनेजर को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा CPU या RAM को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप नेटवर्क असिस्टेंट में जाते हैं तो वहाँ से आप नेटवर्क को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस काफ़ी नए हैं। और तो और दोस्तों आप एंड्योरेंस सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि बेसिकली आप पावर सेविंग मोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं ब्लैक शार्क 2 में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लैक शार्क 2 में हमें डुअल ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि एंड्रॉयड 10 में ये अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों एंड्रॉयड 10 में ये अपडेट आ चुका है। अब हम व्हाट्सएप के डुअल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक फ़ोन में दो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ऐप लॉक का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और तो और दोस्तों अगर हम एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि जेस्चर से रिलेटेड है। तो बेसिकली एंड्रॉयड 10 के जेस्चर्स तो नहीं है ये, लेकिन MIUI 11 के जेस्चर्स है। काफ़ी इंट्यूटिव है, मुझे काफ़ी पसंद है ये वाले जेस्चर्स। बात करें न्यू फीचर्स से रिलेटेड, तो हमें मैजिक प्रेस का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ और बॉटम पार्ट स्क्रीन में कहीं पे भी ज़ोर से प्रेस करता हूँ तो एक पॉपअप आता है और बहुत सारे ऑप्शंस हमें उसमें देखने को मिलते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं बॉटम में ज़ोर से प्रेस करता हूँ और स्वाइप अप करता हूँ तो स्क्रीनशॉट एनेबल मैंने कर रखा है, तो जब भी मैं स्वाइप अप करूँगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा फ़ोन। तो आप इसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसको सेट कर सकते हैं फ्लैशलाइट ऑन होने में, बैक बटन, होम बटन, किसी भी चीज़ में आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्विक बॉल का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वन हैंडेड मोड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। बात करें न्यू फीचर्स की, तो हमें इसमें इंटेलिजेंट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो फ़ोन अगर हीट होगा तो फ़ोन अपने आप चार्जिंग को ऑप्टिमाइज़ करके फ़ोन की हीटिंग को कम कर देगा। दोस्तों इसमें हमें डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन भी अब देखने को मिल गया है। तो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने कितना यूज़ किया है फ़ोन को, किस ऐप में ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है।
इसमें बेड टाइम मोड भी है, फोकस मोड भी है ताकि आप कुछ सिलेक्टेड ऐप से यूज़ कर पाए, तो ये सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें कुछ ऐसा नया तो नहीं है, बट ये वही सारी सेटिंग्स है जो हमें एंड्रॉयड 9 में भी देखने को मिली थी। तो बेसिकली आप अपने ब्लैक शार्क के लोगो और साइड पैनल लाइटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो वही सारे फीचर्स वापस से बस स्पेशल सेटिंग्स के अंदर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों सेकेंड स्पेस का जो ऑप्शन है वो हमें इसमें नया देखने को मिला है। दोस्तों बाकी सारी चीज़ें तो मी UI से ही रिलेटेड है। आप अपना मी अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना मी अकाउंट से आप क्लाउड से सिंक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सेम है जो हमें मी UI 11 में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों UI से रिलेटेड इससे ज़्यादा तो और कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, तो बेसिकली यही है कि इसमें मी UI के सारे फीचर्स आ चुके हैं। बात करते हैं गेमिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों हमें गेमिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अगर मैं शार्क स्पेस एनेबल करता हूँ तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक नया अपडेट। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ और आप लोगों को वापस जब अपडेट होने के बाद बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अपडेट डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब इंस्टॉल हो चुका है ये अपडेट, मैं वापस से शार्क स्पेस को रिस्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अब हम वापस से रिस्टार्ट करके वापस से आ चुके हैं शार्क स्पेस में। तो यहाँ हमें देखने को मिल जाती है काफ़ी सारी एसेसरीज़ को कनेक्ट करने के ऑप्शंस, जैसे कि गेम पैड, मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, शार्क कूलर, गेमिंग हेडसेट। तो दोस्तों ये तो वो सारे एसेसरीज़ हैं जो ब्लैक शार्क ने रिसेंटली रिलीज़ किए हैं। तो मुझे लगता है इसी के लिए उन्होंने ये अपडेट पुश किया होगा ताकि उनके सारे जो डिवाइसेस हैं वो इन एसेसरीज़ को सपोर्ट कर पाए। दोस्तों अब बात करते हैं गेम स्टार्ट करके गेम बार के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ब्लैक शार्क के गेम बार को एनेबल किया तो यहाँ मुझे ऐसे कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। बेसिकली जब आप परफॉर्मेंस मोड में क्लिक करेंगे तो ये वही सेटिंग्स वाले परफॉर्मेंस मास्टर में चले जाता है, जो कि एक नया यूज़र इंटरफेस है। और बेसिकली अगर आप और सारी चीज़ें देखते हैं तो इसमें हमें वही डैशबोर्ड, वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और वहाँ पर सारे ऑप्शंस में देखता हूँ तो वैसे तो सारे ऑप्शन सेम हैं, लेकिन जब मैं टच ऑप्शंस में जाता हूँ तो वहाँ हमें एक हाई सेंसिटिविटी व्हील का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो एनेबल होते ही हमें एक डेमो दिखाता है जो बेसिकली बताता है कि जो एनालॉग या व्हील एरिया है उस एरिया की टच सैम्पलिंग रेट या टच रिस्पॉन्स रेट 240 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब जब आप गेम खेल रहे होंगे तो जो एनालॉग या व्हील एरिया है वहाँ पे टच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा और रिस्पॉन्सिव होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें गेम एक्सपीरियंस की, तो आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे फ्रेम रेट तो वो 60-59 FPS में ही रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो गेमिंग से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं गेम डॉक का ऑप्शन, जहाँ से आप अलग अलग मोड को एनेबल कर सकते हैं कि आप जो गेम बार है उसको कैसे एनेबल करें। बेसिकली आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ से स्वाइप करेंगे तो गेम बार एनेबल होगा। और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो गेमिंग से रिलेटेड तो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, गेमिंग अभी भी काफ़ी स्मूथ है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली मैंने सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैमरा से रिलेटेड कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन बस इससे ज़्यादा और कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, तो मैंने सारे फीचर्स और सारे चेंजेस कवर कर लिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसे फीचर्स लगते हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि वो सब तक पहुंच पाए।